हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त मैं हूँ सापुतारा में। अभी मैं आया हूँ पैराग्लाइडिंग में, तो आपको दिखाता हूँ सापुतारा में पैराग्लाइडिंग कैसा है। ये कुछ फ़ोटो वाले हैं। ये गिटार खाली फ़ोटो के लिए है कि बजाते भी हो? फ़ोटो के लिए है। तो आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, तो ये लोगों का थोड़ा रोजी रोटी कम हो गया है, तकलीफ़ वाला काम हो गया है। तो कुछ नया निकालो तुम भी यार। अच्छा ऐसा है। हाँ, गिटार लेके तो फिर लेना ही पड़ेगा ना। सही बात है। तो चलो चलते हैं अंदर और पता करते हैं क्या है यहाँ का हिसाब किताब। ये यहाँ का टिकट काउंटर है। 2000 पर पर्सन रेट है। 3 to 5 मिनट का राइड होता है। यहाँ से टेक ऑफ होता है, ये वैली में फ्लाइंग होता है, हाइट मिलना तो वापस यहाँ आता है, नहीं तो नीचे लैंडिंग होता है। बच्चन जी बोल रहे हैं, गुजरात की आंखों का तारा सापुतारा। अच्छा, तो बच्चन जी बोले तो अपने अमिताभ बच्चन, वो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है। इसका बुकिंग ऑनलाइन भी होता है? नहीं, ऑनलाइन नहीं, यहीं पर आके स्पॉट बुकिंग। अच्छा, एज का रिस्ट्रिक्शन है क्या? 4 साल से ऊपर कोई भी जा सकता। तो यहाँ से एक आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ, फिर आपको लेके जाऊंगा आगे। पैराग्लाइडिंग अगर आपको करना है तो ये इंस्ट्रक्शन देख लो आप। तो ये बुकिंग काउंटर के पास में एक छोटा सा शेड लगाया हुआ है। ये सारा इनका स्टफ है पैराग्लाइडिंग का, ये सारे राइडर हैं। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। मेरे साथ राइडर है, तो इनसे थोड़ा गाइडलाइन मिलेगी कि यहाँ से कैसे फ्लाई करते हैं और कहाँ तक जाता है। यहाँ से हमारा टेक ऑफ होता है। अच्छा, अराउंड 1000 feet जो हाइट है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग टेक ऑफ करते हैं टूरिस्ट के साथ में, एक पायलट रहता है। अच्छा, यहाँ से विंड अच्छा होता है तो यहाँ से हाइट लेकर 1000-2000 feet ऊपर निकल जाते हैं। अच्छा, तो फिर यहीं पर लैंड कराते हैं। विंड कभी कम हो जाता है तो यहाँ से नीचे 5 किलोमीटर पर मालेगांव है, वहाँ पर हमारा लैंडिंग होता है। वहाँ पे हमारी गाड़ी होती है जो वापस टूरिस्ट को लाके इसी स्पॉट पे लाके छोड़ती है। लैंडिंग वहाँ नीचे होती है, नीचे गांव में जो पेड़ होते हैं, जो ग्राउंड है, विंड हो ज़्यादा होती है तो वापस यही लैंडिंग हो जाता है। जब से यहाँ सापुतारा में पैराग्लाइडिंग स्टार्ट किया है तब से यहाँ पे टूरिस्ट हर रोज दिन पे दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। सापुतारा पैराग्लाइडिंग के लिए गुजरात में सबसे फेमस है। गुजरात में पैराग्लाइडिंग और कहीं पे होता है? नहीं, सिर्फ यही सापुतारा, अभी दूसरी जगह कहीं पे अवेलेबल नहीं सापुतारा। तो केवल सापुतारा ऐसी जगह है गुजरात में जहाँ पर पैराग्लाइडिंग होता है। अगर आप गुजरात में कहीं पर रहते हो या आसपास में रहते हो तो सापुतारा आपको आना होगा पैराग्लाइडिंग के लिए। राइडर कितने हैं टोटल यहाँ पर? यहाँ पे अभी 15 राइडर है। 15 है, तो 15 के 15 बिजी होते हैं कभी? हाँ, होते हैं ना। अभी जब जैसे समझो पीक सीजन चलता है, जैसे दिवाली का पीक सीजन है, उस टाइम पे फुल रश होता है। अच्छा, उसके बाद 31st क्रिसमस का सीजन होता है, तब फुल रोड रश होता है, तो सब उस टाइम पे फुल बिजी चलते हैं। टूरिस्ट नंबर ऑफ पर्सन बहुत होते हैं करने वाले, वेटिंग बहुत होती है। वेटिंग भी होती है? हाँ जी। ये पैराग्लाइडिंग करने वाले भाई साहब, यस, ऑल द बेस्ट। सर मेरा दिया ही नहीं तो ये तो। हाँ, ये देखो यहाँ आप कर रहे हो पैराग्लाइडिंग। क्या नाम है? मयंक भाई। ऑल द बेस्ट। ये देखो, ये हमारे पैराग्लाइडिंग के लिए रेडी होंगे। अच्छा, और यहाँ से हमारा टेक ऑफ होगा, फ्लाइंग करके हाइट में जितने उतरेंगे नहीं तो फिर नीचे लैंड होगा। अच्छा, ये पूजा, ठीक है। मयंक भाई कहाँ से हो? गुजरात से। ये मयंक भाई गुजरात, गुजरात में कहाँ से? सूरत से आए हैं। मैं भी सूरत से हूँ। ये गई हो? आओ मयंक भाई, इधर आ जाओ। हमारा टेक ऑफ देने का अंकार है। पैराग्लाइडिंग करनी है इसलिए एक्साइटमेंट हो रहा है बहुत। यस, हे दिशा, गिरा तो गिरा। पूजा, गयो कौन? क्या पार्टी वार्टी? टूरिस्ट ओके। मास्टर एंड राइट है, राइट है ना? तो यहाँ पे अटैच कर देते हैं। आओ मयंक भाई, आ गया। अभी ध्यान में रखो मयंक भाई, आपको यहाँ पे बैठना नहीं है। यहाँ पे नहीं, कंटिन्यू आगे चलना है। यू हैव टू वॉक एज यू यूजुअल वॉक। ओके, चलो या।
पैराग्लाइडिंग करना हो और गुजरात में हो तो आप सापुतारा आ जाओ, क्योंकि सापुतारा ही ऐसी जगह है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होता है। तो ये सारे राइडर्स है, राइडिंग कंप्लीट करके आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा राइडिंग का सफर खत्म होता है। हाँ। इस टूरिस्ट को नीचे उतार दिया हमने, अभी ऊपर आ गए, अभी दूसरी राइड के लिए जाएंगे। अच्छा, ये हमारा कमिटमेंट यहाँ पे पूरा हो गया। जो आपने ये पूरा देख लिया, भाई साहब ने हमारे कवर किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चलने दीजिए आगे। तो ये थी राइडिंग जो कि कंप्लीट हो गई, और ये थे राइडर, नाम अजय सिंह। अजय सिंह भाई राइडिंग अभी इन्होंने करवाई थी, वापस आ गए हैं। राइडिंग कैसा रहा? बहुत शानदार, मजा आया, बहुत मजा। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और इन्फॉर्मेशन शेयर करना ताकि लोगों को पता चले। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हमेशा की तरह अपना बहुत ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।